हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। सो दिस वीडियो इज नॉट एनी सक्सेस स्टोरी, बट दिस इज अ वीडियो ऑफ अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग टू बिकम द बेटर पर्सन ऑफ हर सेल्फ एंड द पर्सन इज मी। एंड इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अंशिका। एंड यस, आपने टाइटल से जरूर पढ़ा होगा कि ये वीडियो किस बारे में है या ब्लॉग किस बारे में है। बिफोर स्टार्टिंग इन टू द इनसाइट्स ऑफ व्लॉग, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, मेन मोटो क्या था इसका स्टार्ट करने का। तो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू स्किप टू दिस पार्ट, तो आप डेफिनेटली, मैं यहाँ पे मैंशन कर रही हूँ, डायरेक्टली वीडियो पे स्विच कर सकते हो। बट मैं चाहती हूँ कि आप ये सुनो, क्योंकि कई बार होता है कि हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलता लाइफ में कि मैं क्यों ये करना चाह रही हूँ या मैं क्यों वेट लॉस की जर्नी करना चाह रही हूँ। आई एम गुड, आई एम फीलिंग ओके, सो वाई टू डू दिस। तो बस उस वाई का आंसर देने का कोशिश किया है मैंने। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं ऐसी जो हूं आज, मैं वैसी नहीं थी पिछले एक साल में। इन 2020 विथ मैं आई वॉज अ फिटर पर्सन देन दिस। आई मैनेज टू लॉस्ट 14 kgs इन 2020 एंड देन लाइफ हैपेंड। आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एंड आई गॉट माई लेग स्प्रेन। इट वॉज अ सेकेंड ग्रेड स्प्रेन एंड आई वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर 4 to 5 months बिकॉज आई हैड प्लास्टर। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली एंड आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी एक्सरसाइज। बट सिर्फ यही रीजन नहीं था, मैंने अपने आप, मैंने भी कुछ लाइफ स्टाइल चॉइसेस ऐसी ली जो कि गलत थी। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज लाइफ में मेरे आस पास जितने लोग थे, दे वर ग्रोइंग, दे वर डूइंग एक्सेप्शनल गुड एंड आई वॉज हैप्पी फॉर देम। बट एट द सेम टाइम आई वॉज सेट फॉर माई सेल्फ कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ, वट आई एम डूइंग। मैं सिर्फ बेड पे पड़ी हूँ, आई एम जस्ट यू नो डूइंग नथिंग, एवरीथिंग वॉज जस्ट स्टॉप्ड फॉर मी। तो इसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस ईटिंग करने लगी एंड जस्ट बिकॉज कि मैं अपने को खुश रखना चाहती थी, आई टेंड टू ईट वट एवर आई वॉन्ट टू। आई नो अगर मैं बेड रिडन थी उसके बाद भी मैं अगर ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखती तो आज जो मैंने पुट ऑन किया, आई हैव पुट ऑन ऑलमोस्ट 10 to 12 kgs जस्ट इन द मैटर ऑफ 1 year, लाइक फ्रॉम 2020 to 2021। तो जो भी मेहनत मैंने की थी, मैं उससे इवन ज्यादा हो गई जो मैं पहले थी। तो मुझे लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 स्टार्टिंग में, मुझे लगता था ये मेरा वर्स्ट वर्जन है, अभी मुझे इससे बेटर होना है। बट व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन लाइक 2021 एंडिंग, बिकॉज एक ड्रेस ऐसा था मेरे पास जो कि मैंने 2020 में रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो बहुत लूज हो चुका था मुझे, तो मुझे लगता था अब उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। देन इट वॉज क्रिसमस इन 2021, आई डिसाइडेड कि अभी नए क्लोथ, पुराने वाले वो तो मुझे आ नहीं रहे हैं जो मैंने बीच में खरीदे थे, तो ये जो पुराना वाला है जब मैं हेल्दी थी तो वो क्लोथ मैं पहन लेती हूँ, तो मुझे वो भी फिट नहीं हुआ। एट दैट टाइम आई कांट टेल यू, मतलब आई वॉज शॉक्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कर क्या लिया अपनी बॉडी के साथ, कि अब बहुत हो गया है। मुझे पता है मैं पिछले बार भी बोल रही थी कि ये मेरा वर्स्ट वर्जन है, बट देन आई डोंट नो, कुछ तो स्ट्राइक किया मुझे कि यार अब ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता तेरे साथ, और अब फाइट बैक करना है, अपने आप को बदलना है, अपनी सिचुएशन को बदलना है। एट दैट डे ऑन 25 December आई डिसाइडेड कि मैं अब तो कुछ करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता था क्या, बट मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ तो करने वाली हूँ, और मैंने ये सोचा था कि मैं इस पर ऐसा नहीं करूंगी कि स्टार्ट करूं तो वो प्रोसेस बीच में छूट जाए, कुछ इतना ड्रिवन होना चाहिए जो मुझे पुश करता रहे आगे करने के लिए। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शेयर करती रहूंगी, मोटिवेट करती रहूंगी, बताती रहूंगी क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, ताकि अगर मेरे जैसे कुछ लोग आसपास हैं तो वो भी मोटिवेटेड फील करते रहें इस चीज से, और ये ना सोचे कि यार नहीं हो सकता, मैं गिव अप कर देता हूं। क्योंकि जब आप अपने जैसा कोई एक इंसान देखते हो जो कि शायद आपकी ही सिचुएशन, आपकी ही तरीके के बॉडी में ओबेसिटी से परेशान है, वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, नथिंग मोर देन दैट, आई एम टेलिंग यू। सो बस सिंपल बता देती हूँ, जो वीडियो व्लॉग होने वाले हैं मैं हर वीक के एंड में डालूंगी, हर वीक में मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसा रहा वीक, क्या चीजों की प्रॉब्लम आई, क्या मैंने किया, क्या खाया, क्या वर्कआउट किया, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, ताकि
आपको भी मोटिवेशन मिल सके, आप भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट कर सको अगर नहीं किया है तो. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक टिप देना, मतलब मैं 12 वीक्स जो वीडियो डालने वाली हूँ, हर वीक में मैं एक टिप दूंगी जो कि आपको यू नो यू दैट विल हेल्प यू टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड स्टे फोकस्ड इन योर जर्नी. तो वो भी जरूर से आप ध्यान से यू नो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप वो टिप जरूर ले सको, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है. एंड यस, एक सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं कि यार अगर आपकी वेट लॉस जर्नी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई तो मतलब हम कैसे ब्लंटली फॉलो करें इसको. तो मेरा कहना ये है कि मैंने सेम जो जर्नी मैं अभी चालू कर रही हूँ, ये मैंने 2019 से 20 के बीच में की हुई है. उससे मैंने 15 केजीज लॉस किया था ऑलरेडी, तो मैं कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस उस टाइम से अभी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज सेम. तो वो सेम ही रहने वाला है, कुछ और एडिशन मैंने किया है अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस में, एवरीथिंग में, तो वो होने वाला है, लेकिन बेसिक जो है वो सेम रहेगा. मैं आपको अपने बिफोर और आफ्टर की फोटो उस टाइम की जरूर कहीं पे मेंशन करूंगी ताकि आप देख सको कि यस आई हैड डन इट एंड आई विल डू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलिए हम अपने जर्नी की तरफ मूव करते हैं. इन एंटायर वन वीक व्हाट आई हैव डन आई एम गोइंग टू शो यू. Hey you guys, so I have completed 7 days. Yes, 7 days. बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता था कि बहुत challenging होगा, but इतना challenging नहीं था. अगर आपका goal clear होता है ना कि आपको ये करना है और आपको अंदर से पता होता है ना कि क्यों करना है, तो आप कर ले जाते हो यार. मुझे craving हुई हमेशा की तरह, but पता नहीं एक अंदर से push था जो मुझे बोलता रहा कि नहीं करना है, करना है, करके दिखाना है. तो बस मैं वही बताऊंगी कि मैंने सक्सेसफुली 2.2 केजीज लूज कर लिया है एक वीक में, और मैं मंडे से वापस से अपने नेक्स्ट वीक की जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड आई एम रियली हैप्पी विद माय रिजल्ट्स. इंचेस में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है, बट ठीक है, इट्स ओके. मतलब बोथ लॉसेज आर देयर, इंच लॉस इज ऑल्सो देयर एंड फैट लॉस इज ऑल्सो देयर. तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों हो, तो आई एम हैप्पी कि कुछ तो हुआ है. एंड अभी मुझे 2.2 केजीज की वजह से थोड़ा और पुश मिला है कि मैं नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से करूं. तो मैं नेक्स्ट वीक भी अपने सारे वर्कआउट रूटीन एवरीथिंग आई विल यू नो ट्राई टू मेक एवरीडे ब्लॉग नाउ, कि मैं हर दिन की हर एक चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी. अगर आपको और कुछ लगता है कि आप चाहते हो मैं ऐड करूं, तो मुझे बता जरूर से देना. और अब टाइम है टिप के बारे में बताने का. तो हियर इज द टिप. सो द फर्स्ट टिप इज गोइंग टू बी Try to prepare your meal beforehand to avoid starvation. देखो इसका बहुत छोटा सा लॉजिक है कि अगर आप क्या करते हो, आप अपना खाना पहले से बना के रखते हो, तो पहली बात आप 50 चीजें नहीं सोचते, आपको पता है कि आपको ये खाना है. कई बार क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता या हमने कुक नहीं किया होता है, तो हम 100 चीजें सोचते, अच्छा ये खा लू, ये खा लू, ये खा लू, ये खा लू. फिर बिकॉज यू आर स्टार्विंग, आप एक उस सिचुएशन में आ जाते हो कि आप स्टार्व कर रहे हो, आपकी बॉडी भूख में है, तो आपकी बॉडी ना ऐसी चीजों पे इंडल्ज करना चाहेगी जो कि ना फील गुड होती है. मतलब जैसे कुछ जंक या फिर कुछ डीप फ्राइड, तो 50 ख्याल आते हैं. तो ट्राई करो कि अपना फूड जो है वो दिन भर का पहले से, इफ यू आर वर्किंग, अगर आप कॉलेज जाते हो, जो भी है, तो आप अपना मील जो है ना पूरे दिन भर का एक बार में प्रिपेयर करके रख लो एक जगह पे, ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े. जैसी आपको भूख लगे आप तुरंत से अपना मील निकाल के खा लो. तो ये रही मेरी आज की टिप.
आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरा व्लॉग और आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि मैं शेयर करूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर सब अच्छा भी लगे तो भी जरूर बताना, इस वीडियो को शेयर करना ताकि अगर मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इफ दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ, उनको एक मोटिवेशन मिले, एक पुश मिले कि नहीं यार करना चाहिए, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। ओके, सो ऑन दिस टर्म आई वुड जस्ट लाइक टू एंड माई वीडियो बाई सेइंग बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।